कई राज्यों की ओर से बेशक केंद्र सरकार के जीएसटी बिल को प्रवानगी दे दी गई है, लेकिन व्यापारी वर्ग इस बिल से काफी नाराज है, वह इसका विरोध भी कर रहा है। इसी के चलते नाबा के व्यापार मंडल की ओर से भी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, वह दुकानों के बाहर काली झंडियां लगा इसका विरोध किया गया। इस मौके व्यापारियों ने कहा कि अगर सरकार ने जीएसटी को वापस ना लिया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मौजूदा सरकार व्यापारी एकता। थैंक यू। ऊपर एक व्यापारी ऐसी चीज है जेड़ा की टैक्स दे के गवर्नमेंट चलांदा है। हर 10 दिन बाद अपनी दुकान का पूरा हिसाब किताब खरीद बेच सारा कुछ हर 10 दिन मगरों तुहानू सरकार नू भेजनी पवेगी। जिदे विच कोई गलती हुई तो 5 साल की सजा है, जबकि अगे 3 महीने मगरों होया करती सी। असी समुचा नाभा व्यापार मंडल वालों इहदा विरोध करते हैं और जिन्ने जदों भी ये लागू होगा सारे व्यापारियों के 37 रिटर्न भरन नाल सारे व्यापारी विपत्ति पै जाएंगे, क्योंकि व्यापार नोटबंदी तो बाद खत्म हो चुके हैं। जिहड़ा हुण रह गया यह मोदी सरकार खत्म कर जा रही है, असी इहदा विरोध करांगे। अज असी कालियां झंडियां लैके प्रोटेस्ट करिया है, बहुत जल्दी असी जे ये मोदी सरकार ने वापस ना लिता तो असी ये दुकाना बंद करके जिहड़ा है जेल पर अंदोलन भी असी जेलों भी भरांगे, ता जो व्यापारियां इस गल तो दुखी ना होण, क्योंकि ये जिहड़ी टैक्स है गौरमेंट ला रही है ये बहुत एक भयानक टैक्स है जिहड़ा कि छोटे दुकानदार नूं खत्म किया जा रहा है। नाभा से जागृति लहर के लिए दीपक बंगा की रिपोर्ट।